स्वागत करती हूँ दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है Insights of Science, और मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है लाइफ प्रोसेसेस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जी हाँ, कितने तरीके का, कैसे कैसे तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं ऑर्गेनिज़म्स अपना अपना। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए मेरे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए और अगर आप किसी की केयर करते हैं तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरीके से न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं। तो चलिए, मैंने आपको सबसे पहले वाली इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिएगा। मैं लाइफ प्रोसेसेस की सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है तो उसे सिर्फ दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन कौन सी होती हैं वो दो चीज़ें? एक तो एनर्जी और दूसरा मटेरियल्स। तो एनर्जी और रॉ मटेरियल्स अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लें तो वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को फ्रॉम बर्थ टू डेथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल इंट्रोडक्शन के अंदर कि ऑटोट्रॉफ्स अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 9th क्लास के टॉपिक्स की भी थरली रिवीजन होनी चाहिए। तो मैंने अपना एक माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक शेयर किया है, जो आपने पढ़ा तो 9th क्लास में होगा, पर अगर आप उसे रिकॉल करेंगे एक बार 10th क्लास में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि कैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स अपनी मीट करते हैं। तो मैंने आपको इसके अंदर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देख लीजिए। पर उनको और दूसरे रॉ मटेरियल्स भी चाहिए अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। तो आप छोटी क्लासेस से कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ते आ रहे हो। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। पर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था CO2 प्लस वाटर विल मेक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल मेक C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यही पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पे 12 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा बैलेंसिंग को। तो इस तरीके से, पर यहाँ पर आप देखिए, प्रोटीन तो कुछ बना ही नहीं है, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन तो कोई है ही नहीं। प्रोटीन के लिए कौन से एलिमेंट की मेजर रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन के लिए मेजर एनवायरमेंट होती है नाइट्रोजन की। कार्बन बेस्ड नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारा बना था ग्लूकोज। पानी को यूज़ कर लिया सॉयल ने बाय रूट्स। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, जो हमारी धरती पर प्लांट्स हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो एक्वाटिक हैं वहाँ, क्योंकि एक्वाटिक के अंदर रूट्स जो हैं वो डॉर्मेंट हो जाती हैं। तो हम रूट्स की बात कर रहे हैं कि जो सॉयल के अंदर से पानी को एक्सट्रैक्ट करती हैं, उससे कौन सा प्रोसेस हो जाता है? फोटोसिंथेसिस हो जाता है प्लांट के अंदर। इसी तरीके से रूट्स का और भी मेजर इम्पॉर्टेंट काम है सॉयल से। सॉयल के अंदर होते हैं माइक्रोब्स, तो वो माइक्रोब्स के साथ रूट्स की होती है इंटरैक्शन। अगर वो इंटरैक्शन नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर सारे लिविंग बीइंग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वहाँ से माइक्रोब्स के साथ इंटरैक्शन करके असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लाइफ के लिए, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब कौन लेता है? प्लांट लेता है। और फिर इन एलिमेंट्स को यूज़ करके, तो जी हाँ, यहाँ से एक CBSE बोर्ड का क्वेश्चन बनता है, What is an essential element used in the synthesis of protein and other compounds? तो क्या आंसर बनेगा? नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, 1 मार्क बनेगा। और इस नाइट्रोजन को किस फॉर्म के अंदर, अगर सॉयल में से ले रहा है प्लांट, तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है,
नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की फॉर्म में उसको कंज्यूम करता है। तो सोचिए, अगर नाइट्रोजन चाहिए, से फॉर एग्जांपल ये हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन जो है इसको बैक्टीरियास, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज बताया था, 78%, 78% नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट में इनर्ट है, बैक्टीरिया उसको फिक्स करके सॉल्युबल फॉर्म के अंदर लेकर आता है, तब जाके उसका अपटेक होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स की फॉर्म में। और अगर उसको बैक्टीरिया यूज करे प्रिपेयर करने के लिए अपनी बॉडी में, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऑर्गेनिक, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वो नाइट्रोजन जो है वो कार्बन को बेस बना लेगी, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कार्बन जरूर होना चाहिए, तो कार्बन को बेस बना लेगी वो, और कार्बन के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड बना के ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में क्या लेगी, अपटेक करेगा प्लांट नाइट्रोजन को। तो होपफुली अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। मेन यहाँ पर हमारे को अब क्या इंट्रोडक्शन हो रहा है, माइक्रोब्स का भी इंट्रोडक्शन हो रहा है न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर, कि कैसे कैसे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं वो, कैसे कैसे वो प्लांट को उनका रॉ मटेरियल बनाने में, ताकि उनके किसी भी पार्ट के अंदर, क्योंकि क्लोरोफिल का भी पार्ट होता है मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा अगर ये असेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो। तो कैसे बॉडी सीड जब आपने उसको प्लांट करा विद इन, जब आपने उसको सीड को सॉइल के अंदर सो करा, तो वहां से जब सीड के अंदर क्रैक हुए, क्रैक होके सीडलिंग के अंदर वो उसका शूट पार्ट और रूट पार्ट बना, तो वहां से सॉइल ने भी उसको हेल्प करी इन कंपोनेंट्स के थ्रू। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन की फॉर्म के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट करना ही पड़ेगा, ये चार्ल्स डार्विन हैं, जितने भी लोग 11th में बायोलॉजी पढ़ेंगे उनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। एवोल्यूशन के अंदर उन्होंने एक बात कही है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ अडैप्ट नहीं कर सकता तो वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो ये अडैप्टेशन आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कैमल और कैक्टस जो है वो डेजर्ट के अंदर अडैप्ट करता है तो वहाँ पर पाया जाता है, पोलर बियर जो है वो ठंडी जगहों पे पाया जाता है। तो कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन हुआ अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग है, ठीक है, एक स्पीशीज की बात नहीं कर रही, एक स्पीशीज की तो सेम होगी, लेकिन अगर अलग अलग लिविंग फॉर्म्स की बात करेंगे, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो उसके अंदर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, उसका टाइप अलग है फूड का, और फूड कहाँ पाया जाता है ये भी अलग अलग है। तो ये फूड को ऑर्गेनिज्म कैसे ऑप्टेन करता है, हाउ इट इज ऑप्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। से फॉर एग्जाम्पल अगर फूड स्टेशनरी है, कहीं पर फिक्स है वो, तो क्या करेगा उस केस के अंदर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को खुद जाना पड़ेगा और खुद जाके वो उसको खाएगा। बट बाय चांस मान लीजिए कि यहाँ पर फूड भी मोबाइल है, फूड भी भाग रहा है, तो उस केस में ऑर्गेनिज्म को कैसे अपना चेज करना पड़ेगा फूड, उस केस में मोबाइल ऑर्गेनिज्म को, ऑब्वियसली उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी तो जो विन करेगा उसकी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको वो फूड मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इन डिफरेंसेस की वजह से सबकी अपना अपना टाइप ऑफ मटेरियल हो गया, फूड मटेरियल, उसे एक्सेस करने का तरीका अलग हो गया, और इसी तरीके से सबकी बॉडी के अंदर, देखिए टर्म क्या आई है, इम्पॉर्टेंट टर्म है, सबके अंदर एक यूनिक न्यूट्रिटिव एपरेटस है। मतलब कि आप ये देखिए, काओ, हम पीते हैं काउज मिल्क, तो मिल्क कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिटिव प्रोसेस था काओ के अंदर कि उसने क्या लिया, ग्रीन कलर की ग्रास खाई, और ग्रास से कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे हुए कि मिल्क बना, मिल्क की प्रोडक्शन हुई। तो जो घास है उसे काओ ही खा पा रही है, अगर आप टाइगर के आगे रख देंगे तो टाइगर उसे नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में वैसा न्यूट्रिटिव एपरेटस ही नहीं है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर डिफरेंसेस क्यों हैं। सबसे पहला फैक्टर है एनवायरनमेंट, जो जहाँ पर उगेगा एनवायरनमेंट के कारण से, जैसी जहाँ पे क्रॉप बनेगी, जैसा जहाँ पे एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडैप्ट करेगा कि उसे क्या खाना है। फिर उसके बाद
ये चीज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगी कि किसके क्या टाइप ऑफ फूड है, कहाँ पर क्या चीज मिल रही है, और वो ऑर्गेनिज्म उसे ऑप्टेन कैसे कर रहा है। ऑप्टेन करने का तरीका क्या हुआ, अगर तो मान लीजिए फूड जो है वो स्टेशनरी है तो ऑर्गेनिज्म को खुद अपने लिए ढूंढ के वहां तक चल के जाना है, बट अगर तो खाना जो है वो भी मोबाइल है, घूम सकता है वो भी, और उसको खाने के ढूंढना होगा, तो उस केस के अंदर क्या चेंज होंगे, और सबका सब ऑर्गेनिज्म का अपना अपना न्यूट्रिटिव एपरेटस होता है। चलिए देख लेते हैं मेन टाइप ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुए इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद में। तो दो टाइप के मेन न्यूट्रिशन माने जाते हैं जो कि हमारी फूड चेन के अंदर आराम से दिखाई देते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स फूड बनाते हैं अपने लिए, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इनका इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या है, हर क्लास में आपको रिकॉल करा रही हूँ, स्टार्च। तो और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हो गया ऑटोट्रॉफिक, दूसरा कौन सा हो गया हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक कौन से हो गए, जो कि फूड को खाते हैं लेकिन उस फूड के लिए वो अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो सिर्फ न्यू ऑटोट्रॉफिक ही कर सकते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फॉर दी फूड। एग्जाम्पल हैं इसमें सारे एनिमल्स, फंजाई और कुछ बैक्टीरियाज। तो आप ये फूड चेन देख लीजिए, ये हुए हमारे पहले प्रोड्यूसर्स, कौन हुए प्लांट, कहाँ से ली इन्होंने एनर्जी, सन से। फिर इस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट कौन हुआ, ग्रास होपर हुआ, ऑल ग्रास ईटिंग, ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स। फिर इसको फ्रॉग ने कंज्यूम करा, हेटरोट्रॉफिक। फिर फ्रॉग को स्नेक ने कंज्यूम करा, हेटरोट्रॉफिक। फिर स्नेक को वल्चर ने कंज्यूम करा और फिर वल्चर की डेथ हो गई तो उसको बैक्टीरिया ने कंज्यूम करा। तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे, और इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपने पढ़ ली, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटरोट्रॉफिक। अब हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करता है ऑर्गेनिज्म अपना खाना पाने के लिए। तो देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से होते हैं कि वो अपने खाने को बाहर बॉडी के बाहर छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक करते हैं और फिर उस खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को वो अपनी बॉडी के बाहर सिक्रीट करते हैं और फिर उसके ऊपर फीड करके उसे एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया फंजाई, ब्रेड मोल्ड, आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर अगर आप ब्रेड को बाहर रख दें तो अगर आपने उसको कवर करके नहीं रखा है या उसे कोई ऐसी एरिया नहीं दिया जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जितने भी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हैं, क्योंकि जब ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर का सरफेस दिखाई देगा तो आप कहेंगे जी हाँ इसके ऊपर ब्रेड मोल्ड आ गया। तो कैसे आ गया, पहले जो ऑर्गेनिजम्स उसके स्टिक कर चुके थे उन्होंने अपना डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेड के ऊपर सिक्रीट किया, उसे फीड किया, फीड करके उनकी कॉलोनीज बनी, और कॉलोनीज बनने के बाद जब प्रोमिनेंट कॉलोनीज हो गई तब आपको वो दिखाई देने लगा ब्रेड मोल्ड। तो इसी तरीके से यीस्ट होता है, यीस्ट और मशरूम्स होते हैं। यीस्ट आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ब्रेड होती है अगर आप उसके पीछे चेक करेंगे कि किन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है तो उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को जो यूज़ करा जाता है पर्पसली वो यीस्ट होता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस करता है फर्मेंटेशन जो मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोज में पढ़ाऊंगी। तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म को एक टर्म दी गई है सैप्रोफाइट्स। और दूसरे ऑर्गेनिजम्स, एक तो एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स ये हुए जिन्होंने बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम को निकाला, ब्रेक किया और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, जो पूरे के पूरे मटेरियल को एनगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं
अपनी जो भी बॉडी कैविटी होती है उसके अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उनकी बॉडी के इनसाइड इनसाइड द बॉडी वो ब्रेक होता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, और जो ये करते हैं उन्हें बोलते हैं होलोजोअन्स। तो वो अपनी बॉडी डिज़ाइन और अपनी बॉडी डिज़ाइन की फंक्शनिंग यानी कि उन ऑर्गन के फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तभी वो खाने को डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिशन को अवेलेबल करा सकते हैं। इसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस और ह्यूमंस। तो वो कौन होते हैं वो दोस्तों? होलोजोअन्स। तो मैंने यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम आपको दिखाया है, और सेप्रोफाइट्स में देखिए आप बहुत सारे टाइप के फंगस आप देख सकते हैं, मशरूम्स दिख रहे हैं इसके अंदर बहुत इजीली, राइजोपस दिखाई दे रहा है, ब्रेड मोल्ड दिखाई दे रहा है बहुत इजीली। और तीसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना डिराइव करते हैं किसी होस्ट से, होस्ट उस केस में प्लांट हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं, उनको किल नहीं करते पर उनकी बॉडी में से डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन को, तो उस केस की स्ट्रेटेजी को बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के एग्जांपल क्या हो गए दोस्तों? कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड लाइस आपको पता है, लीचेस आपको पता है सकर्स की तरह होते हैं, एक बार सक कर लें, एक बार बॉडी के अंदर चले जाएं तो पूरा ब्लड सक कर लेते हैं ये ह्यूमन बॉडी में। तो इस तरीके से दोस्तों ये रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की खाना डिराइव करने के लिए। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। अगली वीडियो में मैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन लूँगी और उसमें इंडिविजुअली एक एक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ये जितनी भी एजुकेशन है ये एजुकेशन आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के अंदर है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है, पैस्चराइजेशन टेक्निक यूज़ करी जाती है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंदर आता है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंदर जो हमारे ये आता है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि इससे रिलेटेड पढ़ाई कराता है। तो ये तो आपके पास बहुत बेसिक सी जानकारी आई है दोस्तों, इन्हीं जानकारी के बेसिस के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है आपकी एजुकेशन के अंदर। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।